नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो के एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं दाद खाज खुजली का एक ऐसे रामबाण नुस्खा लेकर आया हूँ जिसकी सहायता से आप अपने पुराने से पुराने और भयंकर से भयंकर दाद खाज खुजली की समस्या को बहुत ही आसानी से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल घंटे को भी लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों नीम का पत्ता। दोस्तों नीम के पत्ते में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हमारे दाद खाज खुजली को जड़ से ख़त्म करने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों नीम के पत्ते में जो कड़वाहट होते हैं उसकी वजह से जो दाद खाज खुजली पर फंगल इन्फेक्शन यानी कि जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम यहाँ पर लेंगे 4-5 पत्तों नीम का और उसे पीस कर पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों ये मैंने पहले से ही पेस्ट तैयार किया हुआ है। दोस्तों हम ले लेंगे यहाँ पर आधी चम्मच की मात्रा में इस नीम का पेस्ट। दोस्तों इसके बाद हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों हल्दी पाउडर। दोस्तों हल्दी पाउडर में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि हमारे दाद खाज खुजली जो बढ़ जाता है उसे रोकने में मदद करता है। दोस्तों ये हल्दी आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों थोड़ी सी मात्रा में हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं हल्दी पाउडर। दोस्तों इसके बाद से हम इसमें अगला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों कोलगेट। दोस्तों आप जो ब्रश करते हैं वही कोलगेट है। दोस्तों टूथपेस्ट चाहे किसी भी ब्रांड का हो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में इस टूथपेस्ट को मिला लेते हैं। दोस्तों इसके बाद से हम इन तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके बहुत ही अच्छी तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा है और आप इसे घर पर ही बहुत ही आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हमें इस्तेमाल करना कैसे है। दोस्तों इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अपने दाद खाज खुजली वाले जगह को हल्का गर्म पानी से आप धो लें। दोस्तों धोने के बाद से आप इसे एक कपड़े की सहायता से पोंछ लें और पोंछने के बाद से आप क्या करें कि आप इस पेस्ट को उठाकर और अपने दाद खाज खुजली वाले जगह पर लगा दें। दोस्तों अगर आप मेरे बताए अनुसार सुबह और शाम मात्र 2-3 दिन तक इस पेस्ट को लगाते हैं तो आप अपनी दाद खाज खुजली की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात यानी कि छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए।